स्टार्ट करते हैं, पूरा ध्यान। अच्छा, तो हमने अभी तक पढ़ा था किरचॉफ के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज। तुम्हें पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, ठीक है? तो मीटर ब्रिज तुमने मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल्स में देख लिया होगा। एक बड़ा सा कार्डबोर्ड होता है, उसमें 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है, तो उसका कनेक्शन में हम जॉकी से हम लोग एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट क्या लाते हैं, जीरो लाते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज का सिस्टम यूज करके R1/R2 = L1 H1 अपॉन L2, या L2 को हम लोग लिखते थे 100 - L1। उसमें हम क्या फाइंड कर लेते, एक अननोन रेजिस्टेंस और दूसरा होता था रजिस्टर बॉक्स। शायद तुम सबने किया होगा प्रैक्टिकल, याद है सबको? यस सर यस सर ठीक है, वो तो मीटर ब्रिज था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मीटर ब्रिज एज अ थियरी नहीं आता वैसे। फिर आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का याद है सिस्टम? यस सर हाँ सर ठीक है, माइनस प्लस आर डैश बोल देते हैं। इसका पूरा जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का वो हम लेते हैं आर। तो हमने डिफाइन करते हैं रो। रो क्या होता है? आर बाय एल, और इसमें आर क्या मिलेगा? रो इंटू एल, याद है ये? तो इसमें करंट कितना होता है? यस सर करंट फ्लो होता है ई अपॉन आर प्लस आर डैश। सर वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। आता है लेकिन ना डाले तो भी चलेगा, हाँ ठीक है सर ठीक है? जो आर डैश बार का रेजिस्टेंस, रो एल इसका रेजिस्टेंस पूरे आर का, ठीक है? और अगर बैटरी का इंटरनल डालना हो तो सिंपल प्लस आर कर देना है, वैसे वो तो नेग्लिजिबल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिर इसमें से एल लेंथ पे दो अगर पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में अगर वोल्टेज फाइंड करना हो तो वोल्टेज हम कैसे फाइंड करते हैं? आई इंटू आर, और वी मिल जाएगा तुम्हें आई रो एल। पता चला ये? यस सर यस। अब जो वोल्टेज मिलता है वो डिपेंड करता है सीधा एल पे, यानी वी बाय एल जो है जिसको आई रो है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, याद है कुछ? वोल्टेज ग्रेडियंट, वेरी गुड, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, मतलब सार डिपेंड करता है एल पे। फिर इसके बाद इसकी दो एप्लीकेशन आती हैं। कौन सी दो एप्लीकेशन है? पहली कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स एंड फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पहले कंपैरिजन में कैसे करते हैं, हम यहां से एक लगा देते हैं बैटरी। कैसे लगाते हैं? ये पॉजिटिव है तो सामने पॉजिटिव, इसके साथ लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या ऐड करते हैं? जॉकी। फिर जॉकी को हम इस पॉइंट पे घुमाते हैं, कब तक घुमाते हैं? जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। जब जीरो दिखाता है तब उस वक्त जो वी वन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई रो एल1 इवन, ठीक है? और फिर बाद में बैटरी इवन हटा के हम कौन सी अटैच करते हैं? E2। फिर दूसरी बैटरी के लिए सेम प्रोसेस, वहां V2 मिलेगा, कहां मिलेगा? आई रो एल टू या आई रो एल, आई रो एल टू। फिर दोनों का क्या कर लेंगे? रेशियो, तो E1 अपॉन E2 क्या मिलेगा? L1 अपॉन L1 अपॉन L2। तो ये हो जाता है कंपैरिजन बिटवीन टू सेल्स। समझ में आई बात सबको? क्लियर एवरीवन? यस यस। तो पहले इसमें से कुछ डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं तुम्हें इसका दूसरा यूज करवाऊं, देख लो एक बार अच्छे से ये। चलो अभी पूरा ध्यान इसमें आगे। इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो कैसी है देख लो एक बार।
पूरा ध्यान सेकंड एप्लीकेशन में, सेकंड एप्लीकेशन में हमें फाइंड करना होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए पहले तो यहाँ बैटरी अटैच करते हैं, ये उसका इंटरनल, और साथ में अटैच करते हैं गैल्वेनोमीटर, उसके साथ जॉकी। सबसे पहले पहला प्रोसेस वही होता है, इस जॉकी को यहाँ घुमाते हैं, कहीं ना कहीं क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो तुम्हें जो पहली वैल्यू मिलती है वोल्टेज, वो मिलता है आई रो एल वन, यहाँ होता है ई इज इक्वल टू आई रो एल वन, क्लियर। बाद में क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस पैरेलल। तो जब भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एक करंट यहाँ फ्लो होता है, जब करंट यहाँ फ्लो होता है तब हमको ईएमएफ नहीं मिलता, हमको मिलता है टर्मिनल वोल्टेज। मतलब फिर से इस जॉकी को यहाँ कहीं घुमाएंगे, जो तुम्हें वी टू मिलेगा वो मिलेगा आई रो एल टू, फिर से जीरो मिलेगा कहीं ना कहीं, और ये जो वी टू होगा वो एक्चुअल होगा वी, वी का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज। मतलब जब ये बाहर का रेजिस्टेंस नहीं होगा तब ईएमएफ मिलेगा। जैसे बाहर का रेजिस्टेंस पैरेलल अटैच करेंगे इस गैल्वेनोमीटर को, मतलब जॉकी को यहाँ घुमाएंगे, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाएगा उस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, E by V is equal to मिलेगा L1 upon L2। E क्या होता है I R plus R, और V क्या होता है I R। I गए R में तो मिलेगा R plus R is equal to R L1 by L2, तो small r क्या मिलेगा R common L1 by L2 minus, ये बन जाएगा resistance। I बात समझ बेटा सबको? Yes sir। क्लियर है एवरीवन? तो सिंपल है, एक कौन सा टॉपिक, इट्स कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। कोई डाउट नहीं इसमें, कंफर्म? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये था। इसके बाद अब क्या बचा? इसके बाद एक टर्म था पावर। जैसे पावर तो तुम्हारे में इतना है नहीं टॉपिक, पावर की तीन फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी है, एक याद रखनी है वी आई, एक याद रखनी है आई स्क्वायर आर, और एक याद रखनी है वी स्क्वायर बाय आर। डिफरेंस क्या है तीनों में? पहले वाली यूज होती है फॉर बैटरी, फॉर बैटरी, फॉर सोर्स, उसके लिए वी इंटू आई। ये जो आई स्क्वायर आर है इट्स फॉर ओनली लॉस, मतलब कि तुम्हारे हीट अगर लॉस हो रही है, डिसिपेटेड हो रही है, तो आई स्क्वायर आर। और तीसरा है वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर कब यूज होती है? जब कोई डिवाइस हो, जैसे बल्ब है उसकी रेटिंग दी हो, ट्यूबलाइट की, फैन की, किसी की भी रेटिंग दी हो, तो वी स्क्वायर बाय आर यूज होगा। तो तीन तुम्हें पावर याद रखने हैं। समझ में आई सबको बात? यस सर। अच्छा, इसके अलावा क्या है टॉपिक में? अभी चैप्टर थ्री में कुछ बाकी रहा अपना, कुछ भी टॉपिक? नहीं सर, हो गया सर। सब हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आज फिर से चैप्टर थ्री पढ़ो अच्छे से। इसमें थियोरी कौन सी आ सकती है? ओम्स लॉ आ सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज भूल गए हम लोग, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तीन लिमिटेशन थी, तुम्हें याद होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ की कितनी लिमिटेशंस थी? तीन। पहली लिमिटेशन क्या थी? तीन। सारे डिवाइसेस लीनियर फॉलो नहीं करते, कुछ में कर्व भी होता है। दूसरा क्या प्रोसेस था? कि अगर हम पोलैरिटी बदलते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं, तो ओम्स लॉ में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, वैल्यू नहीं, लेकिन कुछ डिवाइसेस में पोलैरिटी बदलने से वैल्यू भी बदल जाती है। और तीसरा क्या था? कि ओम एट वन वैल्यू ऑफ करंट, एक वोल्टेज पे एक करंट, बट सम डिवाइसेस देयर आर एट वन करंट देयर आर मोर देन वन वोल्टेजेस आर पॉसिबल। तो तीन लिमिटेशन है, तीनों के ग्राफ भी दिए हुए हैं, तो मैं अच्छे से वो प्रिपेयर करना होगा। आई बात समझ में बेटा सबको? यस सर। तो एक ओम्स लॉ की लिमिटेशन, फिर वो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद जे इज इक्वल एनी विडी वाला टॉपिक, उसके बाद वो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल्स, तीन मटेरियल थे ना अपने, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, उनके बारे में थोड़ा कभी कभार पूछ लेते हैं सर। वो निकाल दिया है, वो निकाल दिया, तो चलो बेटर जल्द से करो। फिर सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स,
और पीछे ये जो हमने मेन इम्पोर्टेंट पढ़ा अभी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस ये ज्यादा आती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स। अच्छे से आज पूरी न्यूमेरिकल्स की सारी प्रैक्टिस करो, डाउट निकालो, मुझे मैसेज करो, तो मैं रात को तुम्हारा लेक्चर रख के उस सॉल्यूशन मतलब डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर बाद में sir. आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। देवांश, थैंक यू, बाय सर। सर रोज इसी टाइम पर लेक्चर होता है अपना? हाँ बेटा, रेगुलर। आपने पहली बार भरा है लेक्चर? ना सर। तो फिर नहीं, वो लास्ट टू लास्ट 12 अपलोड को हुआ था मुझसे। नहीं, 11 बजे हुआ था, तीन दिन से 11 बजे चल रहा है ना। ओके सर। देवांश तेरा नंबर बोल तो, मोबाइल नंबर। 9662। हाँ मिल गया। तूने कल मुझे डाउट्स भेजे थे कुछ? यस सर। ठीक है, तो रात को मैं डाउट लेक्चर रखूंगा ना, उस वक्त ये तेरे चारों क्वेश्चंस कवर देता हूँ। ठीक है सर। रात को टाइमिंग कितने बजे का है? टाइमिंग मैं मैसेज कर दूंगा, जैसे बच्चों का मैसेज आएगा उसी हिसाब से टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, एक बार तू मुझे शाम को 6:30 बजे याद करवाना सर मेरे डाउट्स। ओके सर। ओके, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सो मच। बाय बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा। सर गुजरात बोर्ड के लिए दूसरी कॉलेजेस थोड़ी ना रुकेगी, क्योंकि सीबीएसई का भी तो जून के बाद ही खत्म होगा बोर्ड का एग्जाम। तो ऐसा है सर? हाँ, जून में खत्म हो रहा है, उनका तो पहले लेट हो गया था बोर्ड एग्जाम, उनकी जून 10 को खत्म हो रही है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा।